गाइस वेलकम टू आवर चैनल फूडी सैंड। गाइस आज दोबारा आपके लिए दिल्ली से बाहर निकले हैं। आज हम आए हैं फरीदाबाद, और फरीदाबाद में एक बहुत ही फेमस मार्केट है जिसको हुडा मार्केट के नाम से जाना जाता है। तो 21/C सेक्टर में है हम, और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस नॉर्थ इंडियन खाने की दुकान है जिसका नाम है शुद्ध पंजाबी खाना। यहाँ का मेन्यू, मुझे रेट यहाँ के बहुत बढ़िया लगे हैं, और यहाँ पे जो कस्टमर्स खा रहे हैं ना उनका फीडबैक भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे सबको पसंद आ रहा है खाना जो मैंने देखा, अभी और मंगा रहे हैं। और यहाँ की थाली जो है 90 रुपीज़ की थाली, उसमें आपको इतनी बढ़िया चीज़ें मिल रही है कि किसी रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो आपको 200 रुपये तक भी देने पड़ सकते हैं उसके। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या खाने में है यहाँ पे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं मास्क पहन लेता हूँ और चलते हैं अंदर किचन के, आइए। और ये मेन्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही सही रेट से 40 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। फिर आगे जो स्पेशल थाली है यहाँ की 90 रुपीज़ वाली, इसमें शाही पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज, राइस, 4 रोटी, स्वीट और रायता, स्वीट में गुलाब जामुन, शायद मज़ा आ जाएगा। आइए अंदर चलते हैं किचन में। तो भाई ये सब्जी आप देख सकते हैं, शाही पनीर है सर। ओके, क्या बात है सर, तक लाइए वो पनीर देखे भाई हमने। ये शाही पनीर है यहाँ का, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कौन सी है सर सब्जी? राजमा। ओके, ये आगे राजमा, ओ भाई गाढ़े गाढ़े राजमा है, ठीक है। और दाल मखनी, ये रही दाल मखनी आ गई, ठीक है। और देखते हैं छोले, ओके। और मिक्स वेज भी है? नहीं भैया, आजकल लॉकडाउन चल रहा है ना। हाँ जी, अच्छा, इसलिए नहीं बन रहा है। ये कड़ी पकौड़ा, ओके, क्या बात है भाई। ये 5 सब्जियां हैं आपको भाई, ये राइस आप देख सकते हैं, क्या बात है। तो ये पूरी थाली में मिलने वाला है आपको, 90 रुपीज़ वाली थाली में आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। राइस भी हो जाएंगे, नान भी हो जाएंगे, रोटी जो आपको चाहिए वो भी हो जाएगी। तो चलिए अब अपने नान बनवाते हैं और आपको बताते हैं फिर थाली कैसी दिखती है और उसका टेस्ट कैसा है। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये नान लग रहे हैं हमारे, आलू प्याज मिक्स हो गए इसमें। थाली में चाहे तो आप 4 रोटी ले सकते हैं, या फिर 2 नान और 2 लच्छा परांठा भी ले सकते हैं। ये एक नान, एक लच्छा परांठा। तो चलिए जब ये बाहर आते हैं तो आपको पूरी थाली का नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइस ये बटर लग रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और नान पे भी बटर लगेगा नीचे भाई, पूरा भरा बटर है। और थोड़ा एक्स्ट्रा भी आप डलवा सकते हैं, जैसे मैंने पूछा बटर का कुछ है नहीं है सर, आप चाहे तो और बटर भी ले सकते हैं। और यहाँ आपको ठंडा ठंडा रायता मिलने वाला है। ये कितने रुपये ग्लास है? 10 रुपये का। 10 रुपये ग्लास है, ठीक है। इसके बिना तो भाई अधूरा यार, गर्मी का मौसम, मतलब खाने के साथ रायता दही कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, तभी खाया जाता है। तो चलिए अपनी थाली लेते हैं। तो भाई हमारे यहाँ थाली लगना स्टार्ट हो रही है। ये आगे चावल, ये 9 रुपीज़ वाली स्पेशल थाली है यहाँ की। फिर आगे शाही पनीर, छोले डाल दिए, शाही पनीर है। ये आ गई दाल मखनी, और भाई ये आ गए भाई गर्मा गर्म गुलाब जामुन जो आपको स्वीट में मिलने वाले हैं, क्या बात है, मज़ा आ जाएगा सच में, कितने यम्मी लग रहे हैं यार। और ये चीज़ तो सबको पसंद है। तो गाइस हमारी थाली आ चुकी है 90 रुपीज़ वाली, जिसके साथ आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें। हालांकि आपको 3 सब्ज़ी मिलने वाली है, हमने भाई कैमरे का फ़ायदा उठाते हुए 2 सब्ज़ी एक्स्ट्रा लिया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इनमें से कौन सी सब्ज़ी बेस्ट है और हम आपको कौन सी रिकमेंड कर सके। साथ में एक रायता भी मिलेगा पूरी थाली में। तो 90 रुपीज़ के हिसाब से मैं कहूँ कि अगर मैं 2 सब्ज़ी अगर मैं साइड करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने छोले और कढ़ी एक्स्ट्रा लिया है, ये छोले हैं, ये है कढ़ी, कढ़ी पकौड़ा। तो उसके अलावा भी आप देखेंगे 90 रुपीज़ की, तो मुझे वैल्यू फॉर मनी थाली लग रही है भाई, जिसमें आपको गुलाब जामुन भी मिल रहा है। आइए अब टेस्टिंग बताते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कैसा स्वाद है। ये प्याज चटनी, ये एक नान है, 2 पीस आपको मिलने वाले हैं, और एक लच्छा परांठा मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप तंदूरी रोटी लेते हैं या फिर तवे वाली रोटी मिल लेते हैं तो वो 4 मिलेंगी आपको। आइए ट्राई करते हैं नान के साथ, पतला सा नान है। तो शुरू करेंगे राजमा, क्या बात है भाई, गाढ़े गाढ़े राजमा लग रहे हैं। ये देखो, बहुत गजब स्पाइसी वाले पंजाबी स्टाइल राजमा, गाढ़े गाढ़े, कमाल भाई। उसके साथ मैं एक और बैठ लूँगा यार भाई, मतलब आपके मुंह में आते ही ना आपको टेस्ट फील हो जाएगा गाढ़े गाढ़े राजमा का।
ये तो कमाल लग रहा है भाई, बहुत सही। तभी यहाँ पे सारे राजमा जरूर ले रहे थे अपनी थाली में, भाई दाल मखनी पाते हैं, राजमा बहुत ग्रेट, कसम से बहुत बढ़िया। दाल मखनी ट्राई करते हैं। ओके, इसमें बीच बीच में राजमा ऐड है, बट आप इसको नॉर्मल दाल तड़का की तरह लेके चलेगा, दाल मखनी नहीं कहूँगा मैं इसे, क्योंकि वो जो स्मोकी सा फ्लेवर आता है ना दाल मखनी का, वो मिसिंग है। बट ऑब्वियसली जिस रेट में दे रहे हैं उस रेट में दाल सही है, नॉर्मल दाल की तरह चलेगा, अच्छी लग रही है। शाही पनीर पे आते हैं, साथ में लच्छा परांठा, ये देखो भाई बटर बहुत अच्छा डाला है इन्होंने, हमें अच्छी क्वांटिटी में डाला है। ज़रा ट्राई करते हैं शाही पनीर से, तो मैं ज़रा ग्रेवी से ही लूँगा एक बारी। ओके okay. ये भी मैं कहूँगा एक नॉर्मल पनीर की सब्जी की तरह है, वो स्वीटनेस थोड़ी मिसिंग है, हल्का सा वैसे टैंगी सा टेस्ट आ रहा है आपको, बट वो जो स्वीटनेस वाली बात है वो थोड़ी सी मिसिंग है, बट ये फिर भी अच्छा लग रहा है मुझे एक नॉर्मल पनीर की सब्जी की तरह। फिर आते हैं छोले और कड़ी पकौड़े पे, पनीर मुझे, मैं कहूँगा मुझे सही लग रहा है, बेटर देन नॉर्मल पनीर लग रहा है, सही लग रहा है मतलब, पर वो थोड़ी सी जो मीठी मिठास है वो थोड़ी सी मिसिंग है। छोले पे आते हैं, ये भी मैं कहूँगा आई मीन बेटर देन एवरेज है। एक सेकंड मैं एक और लूँ एक्चुअली, थोड़ा एक बारी पता चलेगा। छोले के साथ मेरे पास ग्रेवी ही आई है, ग्रेवी में मुझे थोड़ा टैंगी फ्लेवर मिल रहा है। हल्का सा स्पाइसी है, बट ग्रेवी यहाँ पे सारी गाढ़ी है, तो इस चीज़ में आपको शिकायत नहीं मिलने वाली कोई भी, कंसिस्टेंसी बहुत गजब है सबकी। पहले मैं टेस्ट करूँ फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेरे फेवरेट आइटम्स कौन सा है यहाँ पे। ये कड़ी पकौड़ा आ गया भाई, ये थोड़ा सा टाइट लग रहा है, ये देखिए कड़ी पकौड़ा, खट्टी कड़ी अच्छी अच्छी है, पकौड़ा थोड़ा टाइट है बट टेस्टी है। तो आते हैं कंक्लूजन पे गाइस, अगर आपको तीन सबसे पिक करनी है, राजमा सबसे पहले आपको पिक करना है यहाँ पे, और राजमा इनका सबसे गजब है, पूरा प्रॉपर जो पंजाबी फ्लेवर होता है ना, ज़्यादा स्पाइसी वाला मज़ेदार। फिर दूसरे नंबर पर कहूँ तो मैं कहूँगा कड़ी को, आप कड़ी ज़रूर पिक कर सकते हैं यहाँ पे। तीसरे नंबर पे शाही पनीर या छोले में से आप पिक कर सकते हैं कुछ भी जो आपको ज़्यादा पसंद है, तो ये मेरी प्रेफरेंस रहेगी अगर मैं नेक्स्ट टाइम पे आता हूँ खाना खाता हूँ, तो क्योंकि ये तीनों सब्ज़ी बहुत गजब है, आप रिफ़िल करवा सकते हैं, रिफ़िल की यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये आइटम्स है कुछ, मैं एक बार ये भी दिखाऊँ आपको, प्याज चटनी वगैरह भी है। ये आ गया रायता, अरे वो मामूली मेन बंद हो गया था, मेन नहीं है ना वो, मेन तो उल्टा होता है, अब तो वही ऊपर वाला पतला पतला शुरू बोला था, बढ़िया। चावल वगैरह भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, बट देखिए जरा राजमा के साथ चावल कैसे लगते हैं, क्योंकि भाई राजमा तो बहुत गजब है यहाँ पे, मजा आ गया राजमा खा के सच में। ये देखिए ऐसा भी है,
थाली लेने का मन नहीं है, राजमा चावल ले लीजिएगा, बहुत गजब लगने वाला है, बहुत ही गजब। फिर आते हैं भाई, हम सबका फेवरेट है, इससे बच के तो कोई कहाँ जा पाए। ये देखो भाई, ये रिव्यू करने वाला नहीं है भाई, ये तो प्यार है भाई। गुलाब जामुन, मतलब इतना सब खाने के बाद एक मीठा मीठा जो आपको लास्ट में मिलने वाला है ना, बहुत गजब लगने वाला है। गर्मी हो रही है तो यहाँ पे थोड़ी गर्मी तो है, आप चाहें अपनी गाड़ी लाते तो उस पर बैठ के खा सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ शायद मक्खियों की प्रॉब्लम थोड़ी हट जाएगी आपकी। टाइमिंग की बात करूँ, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक है, 7 डेज ओपन है, और अभी अगले महीने ये रात में भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो पूरी रात आप यहाँ पे आके खा सकते हैं। तो बताएं हमें कैसे लगी आपको ये वीडियो, और लाइक करें वीडियो को, अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।